दोस्तों इंडिया के अंदर आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मोड दिखने वाला है जिसको देखने के बाद आप चौंक ही जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि काफी जल्दी अब आपको इंडिया के अंदर पहली पोड टैक्सी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई टैक्सी नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से सबसे अलग और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा जिसे पोड टैक्सी के नाम से जाना जाता है। और बताया जा रहा है कि इंडिया की इस पहली पोड टैक्सी को नोएडा के एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बेसिकली आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और इस एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी के बीच में इस पोड टैक्सी को ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप पोड टैक्सी के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोड टैक्सी को बिना किसी ड्राइवर के चलाया जाता है और पोड टैक्सी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही होती है। इसे हम एक प्रकार की इलेक्ट्रिक कार भी बोल सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो बताया जा रहा है कि काफी कमाल की मिलेगी। हालांकि स्पीड को लेके अभी कोई एग्जैक्ट नंबर निकल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि स्पीड आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और इस पोड टैक्सी का इस्तेमाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग कर पाएंगे बल्कि दिल्ली के लोग भी इसको एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा पोड टैक्सी का जो कॉरिडोर है वो दुनिया का सबसे लंबा पोड टैक्सी का कॉरिडोर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा पोड टैक्सी कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 14.6 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबा है। और अगर बात करें एग्जैक्ट रूट के बारे में तो बताया जा रहा है कि नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से सेक्टर 21 फिल्म सिटी तक जाएगी। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस पोड टैक्सी में लगभग 36,000 लोग ट्रैवल करेंगे हर दिन। और बताया जा रहा है कि इस 14 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पे आपको टोटल 12 स्टेशन देखने को मिलेंगे। सेक्टर 29 में एमएसएमई पार्क, परिधान पार्क, सेक्टर 32, सेक्टर 33, इसके अलावा टॉय पार्क और सेक्टर 21 जैसे जो स्टेशन है वो शामिल है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये पोड टैक्सी कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग आपको 800 करोड़ से ज्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 810 करोड़ के आसपास आपको कॉस्ट देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि जब यूपी की गवर्नमेंट की तरफ से इसको लास्ट अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद इस पूरे कॉरिडोर को 2024 के एंड में बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश पोड टैक्सी के मामले में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि सबसे पहले तो पोड टैक्सी को ऑपरेट करना काफी ज्यादा सस्ता होता है, और दूसरा पोड टैक्सी के इस्तेमाल से जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, और तीसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि जब लोग पोड टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे डेली तो उसके कारण जो रोड पे ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण एनवायरमेंट को भी इसका बेनिफिट होगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।